हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायक जाकिर हुसैन को हरियाणा वक्फ बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया है, जिसके बाद जाकिर हुसैन अंबाला छावनी में स्थित वक्फ बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और बतौर प्रशासक कार्यभार संभाला। अंबाला पहुंचने पर जाकिर हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त प्रशासक जाकिर हुसैन ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड के नियमों में किए गए बदलाव आज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, जिन्हें बदलवाने के लिए वो राज्य और केंद्र सरकार के समय ये मांग उठाएंगे। मैं दिल की गहराइयों से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का और भाजपा नेतृत्व का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। हरियाणा वक्फ बोर्ड का आज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने नियुक्त किया है। मेरा सबसे पहले उद्देश्य यही रहेगा कि जब ये पंजाब वक्फ बोर्ड था तो 1960 में पंजाब वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी और पंजाब वक्फ बोर्ड में उस टाइम चार स्टेटों का बोर्ड था, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूटी चंडीगढ़ सारे इकट्ठा था। तो जब 1960 में ये बना तो इसकी शुरुआत में ही 1964 में मेरे वालिद साहब, पिताजी मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब, इसके चेयरमैन बने, जो उस टाइम एमएलए भी थे, बाद में मेंबर पार्लियामेंट रहे और वो 13.5 साल इस बोर्ड के चेयरमैन रहे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस बोर्ड के लिए, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करके बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, इसको संगठित किया। तो मेरा इस बोर्ड से एक तरह से खून का रिश्ता है और मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम दिन और रात मिलकर सभी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हम काम करें और बोर्ड उन्नति करे और जो बोर्ड का जो असली मकसद है कि मस्जिदों का, ईदगाहों का, गरीबों की मदद करने का, तो सभी जो इसके मकसद हैं उन उसमें हम कामयाब हों, यही मेरी कोशिश रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और मेरे ऊपर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम अच्छी तरह ये काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। वहीं जाकिर हुसैन ने कहा कि वो केंद्र सरकार के सामने ये मांग भी रखेंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो लोग कई सालों से घर बनाकर रह रहे हैं उनको बीडिंग के नियमों से छूट दी जाए ताकि उनके सिर पर तलवार ना लटकी रहे कि कोई उनसे उनका घर छीन लेगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।